वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें ये डायग्राम दे दिया गया है और हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम फॉर्म कर रहा है और हम लोगों ने क्या किया है, सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी ड्रॉ किया सच दैट ए डी एंड ई सी इक्वल होगा एंड दीज टू एंगल्स विल बी 90 डिग्री। सो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, देयरफोर ए डी इक्वल्स टू सी ई होगा एंड ए ई इक्वल्स टू डी सी होगा, क्योंकि ए ई डी सी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। सो अगर हमें ये डेटा पता है तो हम ई बी का लेंथ निकाल सकते हैं, देयरफोर ई बी इक्वल्स टू होना चाहिए ए बी माइनस ए ई इक्वल्स टू होगा 14 माइनस ए ई की जगह पे हम डी सी का वैल्यू लिख सकते हैं, दैट इज 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। सो हमें ई बी का लेंथ मिल गया है 6 सेंटीमीटर। अगर हमें ई बी का लेंथ पता है तो हम हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम दैट इज ई सी आसानी से निकाल सकते हैं, देयरफॉर ई सी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट ओवर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू होगा रूट ओवर 100 माइनस 36 इज इक्वल टू रूट ओवर 64, मतलब कि ई सी का वैल्यू हमें मिल गया है 8 सेंटीमीटर। सो ई सी इज 8 सेंटीमीटर। अब हमें ट्रेपेजियम का पैरेलल साइड्स का भी लेंथ पता है और हाइट भी पता है तो हम एरिया निकाल सकते हैं, देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इक्वल्स टू होना चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, मतलब कि ए बी प्लस डी सी, ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम दैट इज ई सी इक्वल्स टू होगा हाफ इंटू ए बी प्लस डी सी, मतलब कि 14 प्लस 8 इंटू ई सी इज ऑल्सो 8 इक्वल्स टू हो जाएगा 14 प्लस 8, मतलब कि 22 × 4 इक्वल्स टू 88 एंड यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर, देयरफॉर इसका भी एरिया हमें मिल गया। थैंक यू।